योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था सही करने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन असलियत कुछ और ही दिखाई दे रही है। मामला फारुखाबाद का है। यहाँ पर दबंगों ने फौजी को शराब में कांच मिलाकर पिला दिया और घर के बाहर बेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए, जिसके बाद परिजनों ने फौजी की गंभीर हालत को देखते हुए आर्मी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया और पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सर भाई साहब, घटना ये घटी है 28 तारीख को, जो उनके जैसे कि अभी जो मैटर शुरू हुआ है 4 फरवरी शादी से ही शुरू हुआ है। इनके जो बहुत ही पहले पुराने दोस्त थे, बीच में उनसे मनमुटाव कर दोस्ती खत्म हो गई थी। तो उस जिस दिन शादी होनी थी वो किराए पे यहीं रहता है, तो उसने कुछ दोस्तों को बुलवाया, वो हंटिंग वगैरह जो भी एक्सवाइज किया मुझे पता नहीं है। उसके बाद उसने माँ बहन सबकी बेटियों को रोड दरवाजे के सामने गाली देते हुए दिन भर उपद्रव किया, और शाम जब निक्रोसिस टाइम था तब जैसे ही हम लोग निक्रोसिस के लिए तैयार हुए, तो रंजीत और उनके दोस्त आशू और सचिन दोनों साथ गए और सजी हुई गाड़ी रोड जिसमें दूल्हा बैठा हुआ था उस गाड़ी को ठोंक दिया। आपको बता दें कि दबंगों ने शादी के दिन फौजी की कार के शीशे तोड़ दिए थे। इतना ही नहीं, आए दिन दबंग फौजी के साथ गाली गलौज और मारपीट करते आ रहे थे। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर फौजी के परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि पुलिस देश की रक्षा करने वाले फौजी को कब तक न्याय दिला पाती है। फारुखाबाद से दिलीप कटियार, पंजाब केसरी टीवी।